हर क्वेश्चन को फ्रॉम द सेम आई डोंट सेम। आपने जो बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े हैं ना आपका, वो आपका नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो आपके कितने थे? 16। अभी वी आर जस्ट गोइंग अराउंड ऑफ दिस 16 ओनली आपका नाम देखो जैसे हाँ देखो ये आपने इसको शायद ये सोच रहे होंगे 1+x² की पावर आपका n लगा करके शायद कर दें। बेस में क्या है इसका, व्हाट इज इन इट्स बेस? अब डिफरेंशियल को भी कभी याद कर लिया करो, देखो व्हाट इज इन द बेस 1+x² इज इट क्लियर? अब ये 16 फॉर्मूले में देखो आपने जो आपने पढ़े हैं फर्स्ट है, इसको अगर देखो ना ध्यान से देखेगा, एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन न्यूमरेटर, यानी कि एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन आपका नाम देखो सिंपल से। अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं 1+x² ये ऐड किया ये सब्ट्रैक्ट किया एंड आपका देखो नाम देखो ये dx अपॉन आपका नाम देखो ये 1+x². आप इसको यहां भी नहीं लगाना चाहते, इफ यू वांट टू क्लोज इट यहां भी तो भी चलेगा, तो नाउ दिस सेपरेटिंग न्यूमरेटर्स विद डिनोमिनेटर यू राइट इंप्लीकेशन ऑफ 1+x² dx अपॉन देखो ये 1+x² और माइनस 1 अपॉन 1+x² dx ये कहीं देखा होता ये होगा इसका ये खलास किया आपने तो ना इट्स 1 dx वी आर गेटिंग ना माइनस यस सर dx ओवर 1+x² ये फॉर्मूले के हिसाब से आपका क्या होगा x की पावर 0 तो ना इसका होता क्या होगा x ये हो गया एंड नाउ माइनस ये किसका फॉर्मूला है जरा याद करेगा एग्जैक्टली tan इनवर्स x प्लस सर दिस इज योर आंसर सर दोनों में जी सेम आ रहा है सवाल में भी यही आ रहा है क्या था x माइनस tan इनवर्स आपने x स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस b के लॉन्ग लेंथियस्ट मेथड है एंड इज द शॉर्टेस्ट। आप जो कर रहे हैं बेसिकली अगर आप इससे कर रहे हैं इसको और मैं आपने लिया आप इसको ले रहे हैं हियर वी विल हैव टू एक्सप्रेस क्या था एक्स स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये क्या आपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी आपने किया एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओके ये है तो नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कॉन्स्टेंट फ्रॉम बोथ हैंड्स या बोथ साइड आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर आया ए इज इक्वल टू आपका 1 आया सर ये आया फर्स्ट एंड सेकेंड वाले आपका 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी तो 0 इज इक्वल टू 1+b तो b इक्वल टू माइनस। अब आपने जब इसको किया तो ना यहाँ पे रखा हमने ये क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 × x² प्लस 1 और प्लस b का मतलब यही हुआ तो ना इसका था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस यही है। अब आपने क्या किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या किया इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1+x² सेपरेट करके ये यहां से आगे वो याद है वेरी नाइस गॉड ब्लेस यू।